नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 18,314 की और लास्ट वीक से इस वीक में हमने 245 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लास्ट वीक जो हमारी क्लोजिंग थी वो सिर्फ 4 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग थी और उसके पहले वाले वीक में जो हमारी क्लोजिंग थी वो शायद 440 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोज किया था। तो कंटिन्यू 3 वीक से हम निफ्टी में ऊपर की तरफ ही धीरे धीरे करके ऊपर ही जा रहे थे और लास्ट वीक मैंने आप लोग को ये जरूर बताया था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल एक्टिव तब होगी जब हम 17,988 के नीचे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। जब तक हम 17,988 के नीचे क्लोज नहीं करेंगे तब तक ये शूटिंग स्टार कैंडल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बनी है, एक्टिव नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, कोई भी कैंडल बनने के बाद उसको एक्टिव होना पड़ता है, जब एक्टिव होगी तब वो परफॉर्मेंस करती है। जैसे यहाँ पे कैंडल बनी है तो यहाँ पे कैंडल क्या हुई, बन के ये एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद यहाँ तक नीचे की तरफ आई। यहाँ पे हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल ने इसके ऊपर जाके क्लोज किया तो डेली चार्ट पे क्लोज किया होगा कहीं पे, तो ये एक्टिव हो गई होगी। एक्टिव होने के बाद ये मूवमेंट आपको देखने को मिली, तो कैंडल को एक्टिव होना पड़ता है। एक्टिव होने के बाद वो मोमेंटम, वो जो टारगेट होते हैं वो वहाँ पे दिखते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर जाके इसने 18,314 पे जाके क्लोज किया निफ्टी ने। अब निफ्टी को जरा ध्यान से देखिएगा, निफ्टी कंटिन्यू एक चैनल में ही चलता है, जब भी चलता है निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, एक चैनल में चलता है। यहां पे देखिए, जब हम डाउनफॉल चल रहे थे तो कंटिन्यू इसी पैटर्न में हम डाउनफॉल यहां पे चल रहे थे और ऑलरेडी मैंने एक पैटर्न आपको डाला था कि फ्लैग पैटर्न। इस तरह की वीडियो में बहुत जल्दी आपको चार्ट पैटर्न की वीडियो भी लेके आऊंगा, जैसे कैंडल स्टिक की वीडियो खत्म होगी फिर चार्ट पैटर्न की वीडियो में लाऊंगा। तो यहां पर मैं कंटिन्यू आप लोग को बता रहा था और यहां पर अगर आप लोग को याद हो तो मैंने 16,800 के आसपास, 16,880, 16,900 पे आप लोग को निफ्टी को बाइंग करने के लिए बोला था। नहीं पता है तो इस वीक वाली जाके वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और यहां पे जाके जैसे ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की साइड में चल रहा है। अब निफ्टी यहां पे देखा जाए तो ये एक राउंडिंग, छोटा सा राउंडिंग पैटर्न यहां पे बना रहा है। राउंडिंग पैटर्न बना के राउंडिंग पैटर्न को कंप्लीट करेगा कहां पे, 18,800 के आसपास जाके ये राउंडिंग पैटर्न यहां पे कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे करके निफ्टी ऊपर की साइड में ही यहां पे निकल रहा है। जिसके पास पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस, जो पहले मैं 17,980 बता रहा था, अब स्टॉप लॉस जो उसका हो जाएगा वो हो जाएगा 18,111 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये स्टॉप लॉस क्लोज कर देता है तो आपकी जो पोजीशन है उस पोजीशन से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। अब बड़े चार्ट में जरा देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट को और बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर कट समझ में आएंगी। देखिए, निफ्टी एक मोमेंटम में है, जब तक मोमेंटम में जो चल रहा है वहाँ पर छेड़खानी मत कीजिए, कंटिन्यू उस मूव को प्ले कीजिए, उस मोमेंटम में जाने दीजिए। अगर छोटे बड़े चार्ट पैटर्न पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कप विथ हैंडल पैनल, देखिए लास्ट वीक मैंने बैंक निफ्टी भी बताया था कि बैंक निफ्टी कप विथ हैंडल पैटर्न बनाएगा और उसने बना दिया कप विथ हैंडल पैटर्न। यहां पे देखेंगे तो इसका कप विथ हैंडल पैटर्न यहां पे तैयार हो रहा है निफ्टी का और ये बहुत बड़े टारगेट देता है। देखिए, जब ये कंडीशन बनती है ना, जब ये पैटर्न बनते हैं ना, तो ये पैटर्न बनने में लगभग साल भर, डेढ़ साल का टाइम लग जाता है और उस टाइम के बाद जब ये ब्रेकआउट होता है ना, ये देखा जाएगा तो एक तरह से कंसोलिडेशन ही हो रहा है। यहां पर कंसोलिडेशन होकर धीरे धीरे करके ये ऊपर जा रहा है, जब ये ब्रेकआउट होगा तब बड़ा मोमेंटम आपको यहां पर दिखेगा। जिसके पास बड़े चार्ट यानी जो बड़े टारगेट के लिए बैठा है निफ्टी पे, जैसे 20,000, 21,000, 22,000, उस कंडीशन के लिए आपको ये ट्रेंड लाइन पे इंपॉर्टेंट है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा यहाँ पे निफ्टी में बायर एक्टिव होंगे और ये बायर इस पोजीशन को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहुत दूर है, ये 17,250 के आसपास में है, तो यहाँ पे आपको हर समय नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप कोई लंबा प्ले कर रहे हैं, साल, दो साल, डेढ़ साल के लिए प्ले कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहाँ पे इसका बेस्ट सपोर्ट है। तो बेस्ट सपोर्ट ये है और उसके बाद बेस्ट सपोर्ट एक है, वो है हमारा मूविंग एवरेज जो 22 का, वो मूविंग एवरेज लगा के आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वो शायद मेरे ख्याल से 17,666 के आसपास में यहाँ पे वो मूविंग एवरेज, सॉरी 17,666 के आसपास में ही वो मूविंग एवरेज है। तो जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी एक जबरदस्त मूवमेंट करेगा, लेकिन उसके पहले इसको इसके हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे आके निफ्टी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि 18,666 से लेकर के 18,888 ये जो जोन होगा, ये कंजेस्टेड जोन होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा, यहां पे आके निफ्टी टाइम बिताना चाहिए। अगर निफ्टी यहां पे आके टाइम बिताता है इस रेंज में और टाइम बिताने के बाद ये ब्रेकआउट करता है तो यहां पे एक बड़े मूवमेंट मिल सकते हैं निफ्टी में। अभी फिलहाल जो निफ्टी के पास पोजीशन है तो पोजीशन को होल्ड कीजिए 18,555 के टारगेट के लिए। जो मेरा हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है 18,555 का निफ्टी में। निफ्टी बहुत अच्छा पैटर्न यहां पे बना रहा है, तो चीजों को समझिए। देखिए, जब आप डेली चार्ट, वीकली चार्ट देखते हैं ना, तो आपको मोमेंटम समझ में आता है। तब आप इंट्राडे में भी अगर शॉर्ट करना होता है तो हमेशा हम ट्रेंड को देखते हैं। आप लोग क्या होता है, इंट्राडे में बस शॉर्ट करते हैं। देखिए, शॉर्ट करने की क्वांटिटी मैं कंटिन्यू बता के रखता हूँ। जब भी बुल मार्केट में हम शॉर्ट करते हैं, क्वांटिटी को बहुत कम रखते हैं और बहुत जल्दी उसका एसएल लेके हम निकल जाते हैं, क्योंकि
जो बुल मार्केट या फिर जो अप ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में लेके जाता है, तो आपके एसएल बड़े हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एसएल को स्टिक लगा के रखो और क्वांटिटी को कम ट्रेड करो। कब? जब आप खासतौर से शॉर्ट क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, अगर इस जगह पर जाके बनने के बाद मार्केट कुछ कंसॉलिडेट करता है और कंसॉलिडेशन के बाद में थोड़ा सा ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर क्वांटिटी आप 50% कर सकते हैं। हमेशा ट्रेंड की साइड में ज़्यादा क्वांटिटी आप ट्रेड करो, तभी आप अच्छा प्रॉफिट बना के जाओगे। आप लोग क्या करते हो, हमेशा जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है तो आप लोग क्या करते हो, डाउन ट्रेंड की पोजिशन वहां पे ढूंढते रहते हो कि मार्केट कब गिरेगा, मार्केट बहुत बढ़ गया, मार्केट बहुत चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है मार्केट, 400 पॉइंट चल गया, 800 पॉइंट चल गया, आज गिरेगा, कल गिरेगा। आप होप में ज्यादा ट्रेड लेते हो, तो होप में ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, चार्ट को देखो। जब मार्केट चलता है तो ध्यान से देखो। कभी चार्ट को आप लोगों ने ध्यान से देखा है, जब मार्केट चलता है तो किस तरीके से चलता है? मार्केट चलेगा तो आपके गिराने से या हमारे गिराने से या किसी के गिराने से वो गिरेगा नहीं। जब चलता है तो इसी तरह से चलता है, कंटिन्यू भागते हुए चलता है, ध्यान रखिएगा, ये कंटिन्यू भागते हुए चलेगा, या जब गिरेगा तब भी वो कंटिन्यू गिरेगा। तो जब मार्केट गिरता है तो आप लोग वहां पे बाइंग की पोजीशन ढूंढने लगते हो, जब मार्केट चलता है तो वहां पे आप लोग सेल ढूंढते हो, जब मार्केट गिरता है तो वहां आप लोग बाइंग ढूंढते हो। तो आप लोग हमेशा अगेंस्ट रहते हो मार्केट के। मार्केट के अगेंस्ट मत रहो, मार्केट के साथ में चलोगे तब पैसा बनेगा। और साथ में चलने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है और रिस्क मैनेजर और मनी मैनेजमेंट जरूरी है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो यहां पर पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मार्केट 10 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन में लेके चला जाएगा। तो फिलहाल अब जिसके पास पोजीशन है वो यहां पर बने रही है। और कर्नाटका इलेक्शन के रिजल्ट की आज काउंटिंग होगी और यूपी में भी कुछ इलेक्शन हुए थे उसकी भी काउंटिंग होगी, तो इसका इफेक्ट भी मंडे को मार्केट में दिख सकता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट यहां पे नहीं आती है तो। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह कर्नाटका और यूपी में जो निकाय चुनाव हुए हैं तो उसमें अगर गवर्नमेंट नहीं आती है बीजेपी की, तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इंपैक्ट उसका मार्केट में पड़ेगा। तो ओपनिंग पे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं आंख बंद करके घुस जाइएगा, कुछ न्यूज तो पढ़नी नहीं है आप लोग को, तो आंख बंद करके मत घुस जाना, थोड़ा सा वेट करना, देखना मार्केट किस तरीके पर जाके सेटल होता है, कहाँ पर सेटल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और चार्ट के मैं जो लेवल है वो ऑलरेडी हम आर्ट ऑपरेटिंग चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।